नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 8 जून 2020 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आज के इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तनावग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में स्पंदन अभियान को शुरू किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो तनावग्रस्त कर्मी हैं वहाँ पे, पुलिस कर्मी हैं और दूसरे कर्मचारी हैं, उनको योगा, म्यूजिक या इत्यादि दूसरे कामों से उनका जो है ध्यान बटाया जा रहा है, ताकि उनको जो है डिप्रेशन ना हो सके और वो अपना काम सुचारू रूप से करते रहें। चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बीच पूरे एशिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला समुद्री बीच बना है। तो हाल ही में ये जो उड़ीसा का चंद्रभागा बीच है, वो एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला समुद्री बीच बन गया है। चलिए डिटेल देखते हैं। तो जो उड़ीसा के कोणार्क तट पर ये स्थित है, और ये कौन सा बीच है, पहला ऐसा समुद्र तट है या बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की यहाँ पे बात हुई तो जान लेते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कि बताता है कि ये जो बीच है वो टूरिज्म के लिए कितना ज़्यादा अनुकूल है, यहाँ का जो एटमॉस्फियर है कितना ज़्यादा फेवरेबल है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। और इसको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो समन्वित तटीय प्रबंधन समाज है, यानी कि सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SICOM कहते हैं, उसके तहत इसको किया गया। और भारत में कैसा 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मानकों के तहत जो है प्रमाणन के लिए विकसित किया जा रहा है, जिसमें से पहला बीच जो है चंद्रभागा बीच है, इसको सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। और बाकी बीच जो 12 बीच है उन पर काम चल रहा है, ताकि उन बीचों को उस लेवल तक ले जाया जा सके जहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा प्राप्त हो। जिससे होगा क्या, जिससे भारत को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी टूरिज्म के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2019 में ही की गई है, पिछले साल की गई, मतलब इस साल जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया वो दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो क्या हुआ था 2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में महासभा द्वारा क्या किया गया, खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से पहली बार विश्व खाद्य दिवस को मनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि लोगों में पौष्टिक आहार और खाद्य सुरक्षा के अभाव में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता लाना। क्या होता है, लोग जो है न्यूट्रिशियस फूड खाते नहीं हैं और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, और इम्यून सिस्टम की कितनी इम्पॉर्टेंस है ये आप सभी जानते हैं आज के इस टाइम में, जब पैंडेमिक पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। तो ऐसे लोग जिनका जो इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो उनके लिए यहाँ पर कोई समस्या वाली बात है नहीं, क्योंकि यदि मान लो गलती से कोई इंसान संक्रमित हो भी जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होने के कारण वो रिकवर कर जाता है जल्दी, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट इसका बहुत कम है। तो ऐसे में पौष्टिक आहार पर जोर दिया गया, और जो फूड से होने वाली फूड इलनेस है उनके बारे में यहाँ पे जागरूकता लाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इस बार की जो थीम है वो आपको याद रखना है, फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस। यहाँ पे देखो, देख सकते हो आप, फूड सेफ्टी एवरीवंस बिजनेस, ये इस बार की थीम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बार का ये जो दिवस है ये वर्चुअली मनाया गया, क्योंकि आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन पूरी कंट्री में और अदर कंट्रीज में भी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, तो ऐसे में कोई भी सोशल इवेंट तो मना ही है। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राहुल श्रीवास्तव जो कि IFS अधिकारी हैं,
वो उनको रोमानिया देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जब जब राजदूत की बात होती है तो मैं एक बार एक पॉइंट फिर मैं आपको याद दिला दूं कि राजदूत और उच्चायुक्त दोनों एक ही होते हैं, लेकिन राजदूत वहां होते जो राष्ट्रमंडल देशों में देश शामिल नहीं है, मतलब ऐसे देश जिन पे कभी अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, वो कौन से देश हो? वहां के जो राजदूत होते हैं उनको राजदूत ही कहते हैं, ठीक है ना, और IFS अधिकारी होते हैं उनको राजदूत कहते हैं। और ऐसे देश जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल है, राष्ट्रमंडल देशों में जिनको शामिल किया गया है, मतलब जिन पे कभी अंग्रेजों का शासन रहा है, उन देशों में उच्चायुक्त होते हैं, ठीक है। तो रोमानिया के जो राजदूत हैं अभी हाल ही में राहुल श्रीवास्तव बने हैं, और ये 1999 बैच के IFS अधिकारी है, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और ये वर्तमान में क्या है, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब बात करें यदि रोमानिया की, तो उसकी जो राजधानी है बुखारेस्ट है, और राष्ट्रपति यहाँ की क्लाउस ओहानिस है। अब यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो रोमानियाई ल्यू है, और एक जो रोमानियाई ल्यू है वो 18 रुपये के बराबर होता है, इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित में से किस पुरातन काल की अनाज जैसी वलयाकार वस्तु की खोज की है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ वस्तुएं मिली हैं जो अनाज की जैसी है, वलयाकार शेप की हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं ये माना जा रहा है कि उत्तर कांस्य युग की हैं, ठीक है ना, ब्रॉन्ज एज की जो है। तो ये जो एग्जैक्ट इमेज तो नहीं है उनकी, ठीक है। तो क्या हुआ है, हाल ही में कुछ वस्तुएं मिली हैं, जैसा दावा किया जा रहा है कि वो 900 से 1000 ईसा पूर्व जो आपकी कांस्य युग था, वहाँ की वस्तुएं हैं, वो वहाँ से उनका संबंध है। और पुरातत्विक अभिलेख से ये पता चलता है कि पहले की कृषि पद्धति कैसी थी, कैसा अनाज उगाया जाता था। हालांकि उनके बारे में अभी भी कम ही जानकारी प्राप्त है, तो ऐसे ऐसे समय में इन वस्तुओं का मिलना काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को प्रदान करेगा ऑब्वियसली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू की है? तो अभी अभी रूस देश ने पहली आर्कटिक ट्रेन सेवा शुरू की है, और ये जो पहली ट्रेन रवाना हुई है उसमें उसमें 91 यात्री सेंट पीटरवर्थ ये जो स्टेशन है वहाँ से 91 यात्रियों को लेके ये ट्रेन रवाना हुई है। और जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, वो अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे और रूस सहित 7 देशों से आए थे, और इसमें 2 रेस्टोरेंट और बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं हैं। और इस ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नाम है जारन गोल्ड, ओके। और इस ये जो ट्रेन है इसकी यात्रा है ये 11 दिन की रहेगी, और अलग अलग माध्यमों से पहुंचने के लिए जो है अन्य माध्यमों से पहुंचने के लिए अभी कठिन क्षेत्र जो है आर्कटिक में उनकी अनुमति आगे जाके मिलेगी। अभी तो हाल ही में शुरुआत में ये ट्रेन बस शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। किस बैंक ने विशेष समर ट्रीट्स अभियान लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने क्या किया है, समर ट्रीट्स अभियान को लॉन्च किया है। अब ये समर ट्रीट्स अभियान में होगा क्या, समर ट्रीट्स अभियान के जरिए होगा क्या कि जो बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके जो ऑनलाइन खर्च करने वाले लोग हैं उनको क्या होगा, जो ज़्यादा खर्च करते रहते हैं उनको बड़े उपकरणों पर नो कॉस्ट EMI और 0 डाउन पेमेंट की सुविधा मिलेगी, चुनिंदा ब्रांडों पर, सब पे नहीं कह रहे हैं, कुछ चुनिंदा ब्रांडों पे, और कैशबैक की यहाँ पे सुविधा रहेगी ऐसे ही कस्टमर्स जो कि रेगुलर बेसिस पे उपभोग करते रहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते रहते हैं HDFC बैंक से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। हाल ही में चर्चा में रहा आइडा, ये है क्या, जो आइडा है ये क्या है, ये है एक रोबोट, ठीक है, और इसको विकसित किया गया था 2019 में, और हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में रहा है। जून 2019 में इसको गैलरी में लॉन्च भी किया गया था सेंट जॉन्स कॉलेज में, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला रोबोट है जो कि चित्र, पेंटिंग, मूर्तियां बनाता है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जो एडा एल्विस के नाम पर रखा गया है।
और एडा को जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों और लीड्स विश्वविद्यालय में एआई इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया है। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लीड्स यूनिवर्सिटी है उसके इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन है वो कॉर्निस रोबोटिक्स कंपनी द्वारा दिया गया है। इसका चेहरा और सिर है जो मेस्मर तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। और आपने पॉलीमर वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे मेस्मराइजेशन आपने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। और जून 2019 में देखो इसको एक गैलरी शो में इसको शोकेस किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज़ को। किसने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर कम करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ऑब्वियसली बात है, राजमार्गों की बात चल रही है तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और की बात यहाँ पे होगी, जो कि अभी नितिन गडकरी हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने क्या किया है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मानव और पशु मृत्यु दर को कम करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि डेटा बताया है कि क्या होता है, देश में हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, और जिसमें से 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, ये भी बहुत बड़ा रेशियो है। और कुछ लोग की जान नहीं जाती है तो वो जीवन भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। तो मंत्रालय क्या करेगा, मार्च 2021 तक इन आंकड़ों को 20-25% तक कम करने का प्रयास कर रहा है कि इनमें जो है 20-25% तक जो एक्सीडेंट हैं इनमें कमी आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दुनिया भर में पहली व्यापार प्रणाली विकसित की है? तो अभी गुजरात हमारा वो राज्य है जिसने क्या किया है, प्रदूषण के लिए पहली व्यापार प्रणाली विकसित की है। अब इसमें होगा क्या, ये एक जो बाजार आधारित जो व्यापार प्रणाली होगी, ये क्या करेगी, उत्सर्जन की एक सीमा निर्धारित करेगी और उस सीमा के नीचे रहने पर ही जो परमिट है उसको खरीदने और बेचने की अनुमति होगी। यदि मान लो आपकी जो प्रदूषण सीमा है उससे ऊपर हो रहा है तो आप अपने व्यापार को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे, ठीक है। और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इपिक और अन्य संस्थानों जैसे हार्वर्ड, कैनेडी स्कूल, येल विश्वविद्यालय और इनसे मिलके क्या किया है, इस प्रोग्राम के सभी लाभों और लागतों का मूल्यांकन किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। किस प्रदेश में थैंक्स मॉम अभियान शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में थैंक्स मॉम अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत होगा क्या, इस अभियान के तहत जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम जो अभियान शुरू किया गया, तो एक वृक्षारोपण जो है अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया, सॉरी 5 जून है यहाँ पे जनवरी लिखा गया है। और इस अवधि के दौरान जो लगाए जाने वाले सभी पौधों को एक प्रत्येक कर्मचारी की माँ के नाम पर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कर्मचारी वहाँ पे लगाएगा उसकी माता श्री का नाम वहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो जनवरी लिखा है तो जनवरी गलत है, जून है यहाँ पे, ठीक है, 5 जून को। और कर्मचारी अपनी माँ की तरह पौधे की देखभाल करेगा, ठीक है। तो जैसे कर्मचारी है अपनी माँ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही इस पौधे का ख्याल उसको रखना होगा। अब इसको शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। राजधानी भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि अभी बने थे लॉकडाउन के टाइम पे ही। और राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 230, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें मात्र 11 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अभी इन चार ऑप्शन में से किसी एक को एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कौन है वे, दीपिका पादुकोण, दीपा मलिक, मानुषी छिल्लर या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।